बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम डिस्ट्रिक्ट करक केपी के पाकिस्तान के सेहत अफजा मकाम जेबी चिनी खैल और गुंडी मिरखन खैल से होते हुए सालसा की तरफ जाएंगे। सालसा के चश्मों को देखेंगे। ये हमारे मकामी जो दोस्त हैं और हमारे मेज़बान हैं, मौलाना मोहम्मद ख़ान, मौलाना नूरजुमान, मौलाना हयातुल्ला हसन ख़ान और इसी तरह मौलाना हयातुल्ला का छोटा बेटा भी हमारे साथ है। ये हम जब सफ़र शुरू किया है तो बिल्कुल हमें बहुत खूबसूरत बादलों से ढकी चोटियां और ज़मीन के बिल्कुल तह में लोगों के पुराने ज़माने के बनाए हुए ग़ार और इसी तरह फिर नीचे हमें घर नज़र आए और यहाँ पे हम ऊपर से इसका नज़ारा कर रहे हैं। मोहम्मद ख़ान हमें ब्रीफ़ कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि यहाँ के जो लोग हैं पुराने ज़माने के खालिस लोग हैं और ये सब लोग जो हैं बिल्कुल अपने पुराने अथवा तौर तरीक़ों से रह रहे हैं और बुनियादी सहूलियात से काफ़ी बेखबर हैं। ये हमने सफ़र शुरू कर दिया है। गाड़ी अगर बड़ी होगी ऊंची हो तो अच्छा रहेगा, लेकिन छोटी गाड़ी भी जा सकती है, इतनी बड़ी मसला नहीं है। लेकिन अगर बारिश का इम्कान हो, जिस तरह की इस वक्त हमारे इस सफ़र में, हमने अगस्त 2020 में सफ़र किया था तो बहुत ख़तरा था। ये देखें जी, ये इलाके के सहूलियात के फुकदान का हाल। ये बच्चा और ये गद्दे के ऊपर पानी लादने के लिए लेके जा रहा है। ये हम अभी पहुँचे एक गार में जो के रास्ते में आता है, जहाँ मकामी लोगों ने ऊपर घर भी बनाया है, ये कठिन रास्ता भी बनाया हुआ है और वहाँ पे जो है अपने लिए रहने के लिए गारें बनाई हैं, जिस तरह पुराने ज़मानों में हुआ करती थी। तो ये आपको हम चढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं पूरे हमारे दोस्त। ये अभी हम ऊपर चढ़ गए हैं, ऊपर जो है घर है और ये नीचे आपको हम अभी गार दिखाएंगे दूसरी तरफ में। और इसी तरह ये सरसब्ज इलाका है, अगस्त का महीना है। अभी हम पहाड़ के नज़ारा करके, नीचे हमारी गाड़ियाँ खड़ी है, गाड़ी और दोस्त खड़े हैं, चश्मे बह रहे हैं। देखें, आपको पानी नज़र आ रहा होगा, इस तरह सरसब्ज और शादाब इलाका भी। और यह आप नीचे देखेंगे, ऊपर आपके पहाड़ होंगे। ये अभी हम पहाड़ से उतर रहे हैं और ये बहुत मुश्किल है। देखें जी, आपको मैं नज़र आ रहा हूँ किस तरह दुश्वारी से हम उतरे हैं। अभी हम उसके साथ दूसरी जगह पे ये गोल चक्कर हैं और ये मक्की आपको नज़र आ रही है यहाँ पे। ये बहुत लंबे 1 किलोमीटर से तकरीबन हम तो आधे किलोमीटर तक अंदर गए, लेकिन फिर हमने जल्दी वापसी कर ली है और हमने कहा कि यार ये तो, और ये बिल्कुल तंग। और ये देखिए जी, मौलाना हायतुल्ला ने पापड़ का केच पकड़ा है ज़बरदस्त तरीके से। अभी हम जो है यहाँ पे इस जो चश्मा बह रहा है पानी का, ये बच्चा जो है ये वहाँ पे दुकान कर रहा है, मेज़बान हमें पानी पिला रहे हैं। जी, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे आपको दुकान भी मिल रही है। यहाँ पे दुकानों में जो है छोटा मोटा सामान मिलता है, लेकिन अगर आपने मुस्तकिल खाना खाना है तो आप अपने लिए साथ अपना सामान लेकर आएँ और ख़ुद पकाएं। ये जी बहुत मीठा पानी है, बिल्कुल मिनरल वाटर के साथ ये मुकाबला कर सकता है। आप लोग देख सकते हैं, ये जी यहाँ पे आके आप लोग ये पानी ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। आपको ये पानी नेस्ले और दूसरे क्वाफीना से भी बेहतर पानी है। आप बिल्कुल इसको एंजॉय करें। ये जो है हमने थोड़ा से यहाँ पे कुछ खाया है, इसके बाद हमने सफ़र शुरू किया है। ये हसन ख़ान है सवेरा न्यूज़ के लिए, मौलाना हयातुल्ला और मौलाना नूरजुमान। पोलिंग स्टेशन ने मुझे वाले कारक हाँ इसी तरह बिजली हाँ देखो मीटर लगे दल रहा पानी का कुआं है। ये येलो कलर का आपको नज़र आया। अभी हम जो है आगे ये दुकानें भी हैं, ये दूसरा दुकान हमें नज़र आया है।
इसमें चाय भी मिल रही थी, पकोड़े भी मिल रहे थे। अच्छा, ये मकामी लोग यहाँ पे बिल्कुल अपना ज़िंदगी गुजार रहे हैं यहाँ पे। अच्छा जी, हमने काफ़ी चश्मे की वीडियो नहीं बनाई, लेकिन ये हमें जो बड़ा चश्मा था सालसा, इसको सालसा के चश्मे कहते हैं, तो यहाँ पे हमने वीडियो बनाई है। अच्छा, इसके बाद हमने आखिरी स्टॉप छोटा इस्लामाबाद इसको कहते हैं, क्योंकि अभी मौसम ठीक नहीं था, तो हमने वापसी करनी। यहाँ पे आपको रहने के लिए कमरा भी मिल सकता है, खाना वगैरह जो भी ज़रूरियात है। हमने यहाँ पे चाय पी के वापसी का इरादा कर लिया है, और ये क्योंकि मौसम ख़राब था और हमें ख़दशा था, अभी यहाँ पे हल्की हल्की बारिश बूंदाबांदी भी शुरू हो चुकी थी, तो हमने अभी वापसी का सब रहते सफ़र बांध लिया है। ये जी दे अभी देखें, हम वापस वो चढ़ाई पे जा रहे हैं, और आपको हम आगे नज़र आएगा कि कुछ लोग इस वक्त भी मोटरसाइकिल पर उधर जा रहे हैं, और छोटी गाड़ी को तो छोड़ें। तो आप जब भी आएँ यहाँ पे इंजॉय करें, अपने साथ मुकम्मल खाना लेकर आएँ।